हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स का टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का सिलेबस। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग टर्म फर्स्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, देन टर्म सेकंड के सिलेबस को। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं टर्म फर्स्ट के सिलेबस से। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो आपका टर्म फर्स्ट है उसमें कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, देन उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मार्क्स का वेटेज देख लेते हैं किस यूनिट से कितना है। तो नंबर सिस्टम जो आपकी यूनिट है उससे 6 मार्क्स का वेटेज है, अलजबरा से 10 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का है, ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का है आपका, देन ट्रिग्नोमेट्री से आपका 5 मार्क्स का है, मेंसुरेशन से 4 मार्क्स का है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से आपका 3 मार्क्स का है। ओवरऑल आपका टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है थ्योरी का वो 40 मार्क्स का है, इंटरनल आपका 10 मार्क्स का है। अब चलिए इंटरनल में भी कैसे आपका मार्क्स का वेटेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका 3 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स का वेटेज है, 2 मार्क्स आपका मल्टीपल असेसमेंट का है, फिर 2 मार्क्स पोर्टफोलियो का है, देन 3 मार्क्स आपका स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल वर्क का है। तो ओवरऑल 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। अब चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस यूनिट में कौन सा चैप्टर आ रहा है आपका टर्म फर्स्ट में। सबसे पहला चैप्टर नंबर रियल नंबर, सेकंड पॉलिनोमियल्स, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, देन फोर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, नेक्स्ट है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, और आपका जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टर्म फर्स्ट का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टर्म सेकेंड के सिलेबस को। उसमें भी सबसे पहले आपको हम यूनिट्स एक्सप्लेन करते हैं कि किस यूनिट से कितना मार्क्स का वेटेज है, देन फिर हम लोग यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म सेकंड के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रा यूनिट से टर्म सेकंड में 10 मार्क्स का है, ज्योमेट्री से 9 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री से 7 मार्क्स का है, मेंसुरेशन से 6 मार्क्स का है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स का है। ओवरऑल आपका जो टर्म सेकंड का पेपर है थ्योरी का वो भी 40 मार्क्स का है, 10 मार्क्स आपके इंटरनल के हैं। अब चलिए यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं टर्म सेकंड में उसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अलजेब्रा यूनिट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देन आपका सर्किल्स है, फिर आपका कंस्ट्रक्शन है, देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, देन आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है। आगे बढ़ते हैं और जो आपका लास्ट चैप्टर है वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यूनिट से आपका स्टैटिक्स। और आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम आपको बताते हैं कि इंटरनल में कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स का क्या वेटेज है। इसमें सेम वही जो आपका टर्म फर्स्ट में है वैसे ही है, 3, 2, 2 एंड 3, टोटल आपका 10 मार्क्स का है इंटरनल, टर्म सेकेंड का भी। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड का मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।